हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड टिकाऊ टू इंग्लिश लिटरेचर बुक्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन चैप्टर फर्स्ट, एवरीडे थिंग्स। एवरीडे थिंग्स मीन्स जो चीज़ें हम डेली में इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं एवरीडे थिंग्स। ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें एवरीडे जो थिंग्स होती हैं उनकी ज़रूरत क्यों होती है, क्या हमें भी आपको भी उनकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आप जो भी आपकी एक फेवरेट चीज़ है आप उसको लिस्ट करेंगे, यानी कि उसको लिखेंगे, और आप बताएंगे कि आपको उस एक चीज़ की आवश्यकता क्यों होती है, आपको वो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद क्यों है, आपकी फेवरेट क्यों है। ओके, उसके बाद में आप आपके जो भी एवरीडे थिंग्स जो आप यूज़ करते हो आप उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, मेक अ लिस्ट ऑफ द एवरीडे थिंग्स दैट यू यूज़। फ्रॉम योर लिस्ट नेम द थिंग्स यू कांट मैनेज विदाउट, और उसी लिस्ट में आपको उन चीज़ों का नाम भी लिखना है कि आप जिन चीज़ों के बिना मैनेज नहीं कर सकते, यानी कि नहीं रह सकते। ओके, Imagine a thing you would like to have. Draw and color it. Describe it is a few words. Okay, आपके पास जो भी एक चीज़ है आप उसको draw करेंगे और color करेंगे, यानी कि जो आप imagine करते हो कि आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। A thing you would like to have, यानी कि आपके पास होनी चाहिए वो चीज़। तो आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास नहीं है और होनी चाहिए, तो आप उसको ड्रॉ करेंगे और कलर करेंगे। आप देखिए, जैसे कि एवरीडे थिंग्स में मान लीजिए पानी है, पानी के बिना क्या कोई भी रह सकता है, वाटर तो हम सबके लिए ज़रूरी है ना, सबके लिए नेसेसरी है। वाटर, फूड एंड क्लॉथ्स, यानी कि पानी, रोटी और हमारे कपड़े हो गए, हमारा घर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते या इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो कौन है, जो ऑथर इसके ऑथर हैं वो कौन है बेटा, जीन एयर वाज बॉर्न इन वेस्ट वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, सो हियर वी स्टार्ट दिस चैप्टर। मिलियनेयर्स, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स कैंट गेट अलोंग विदाउट एवरीडे थिंग्स। वर यू प्रेसिडेंट, किंग और मिलियनेयर, यू हैड यूज अ कॉम टू कॉम योर हेयर। तो देखिए, चाहे आप कोई भी मिलेनियर हैं, यानी कोई भी अरबपति हैं, या कोई भी प्रेसिडेंट हैं, या कोई भी राजा है, तो जो डेली में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, जो प्रतिदिन काम आने वाली चीज़ें हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति हो या कोई भी अरबपति हो, अपने बालों को कॉम करने के लिए, अपने हेयर को कॉम करने के लिए, बालों को काटने के लिए, सभी को किसकी ज़रूरत होती है, कॉम की ज़रूरत होती है, यानी कि कंघा। इफ़ यू विश टू बी क्लीन एंड यू हैड यू वुड आई होप यू हैड यू वुड टेक अ बाथ विद वाटर एंड सोप। तो देखिए, अगर आप खुद की बॉडी को साफ रखना चाहते हैं, क्लीन रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए आपको पानी और साबुन की आवश्यकता होती है। एंड यू हैव टू ईट, इफ़ यू वांटेड टू ईट ब्रेड एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट, व्हाइल यू ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट वुड प्रोबेबली बी मिल्क और चॉकलेट, कॉफ़ी और टी। ओके, तो देखिए, यदि आप कुछ भी खाना चाहते हो, अगर आपको भूख लगती है, तो सभी खाना खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, फिश मछली या मीट खाते हैं। ओके, और जबकि आपको जब कुछ भी खाना पीना होता है, ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट वुड प्रोबेबली बी मिल्क और चॉकलेट, यानी कि जब भी आप सुबह के नाश्ते में मोस्टली सभी लोग क्या पीते हैं, कोई दूध पीता है, चॉकलेट्स खाते हैं, चॉकलेट शेक पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। ओके, यू वुड हैव टू वियर, यू कुड हार्डली रिफ्यूज़ अंडर क्लॉथ्स, आउटर क्लॉथ्स, स्टॉकिंग्स एंड शूज़। If you wish to make a reminding note,
यू हैड टेक अ पेंसिल आउट ऑफ योर कोट. ओके, तो देखिए अगर आप जो भी कपड़े पहनने वाले पहनते हैं सभी लोग, तो देखिए कोई भी इन कपड़ों को पहनने से मना नहीं करता कर सकता, यानी कि अंदर पहनने वाले कपड़े इनर क्लोथ्स, आउटर क्लोथ्स यानी कि जो भी ड्रेसेस हम पहनते हैं, स्टोकिंस एंड शूज यानी कि शॉक्स, जूते, स्लीपर्स, सबको पहनने के लिए चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई मिलेनियर है तो वो नहीं पहनेगा, या कोई गरीब है तो नहीं, उसको नहीं चाहिए. यानी कि ये तो ज़रूरत की चीज़ें सभी के लिए होनी चाहिए, सभी के लिए मस्ट हैं. इफ़ यू विश टू मेक अ रिमाइंडिंग नोट, यानी कि यदि आप किसी भी चीज़ को लिख कर याद करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, पेंसिल की और पेपर की. तो आप अपने कोट से क्या निकालेंगे, पेंसिल और पेपर निकालेंगे. एंड यू कुडंट साइन अ लेटर आई थिंक विद एनीथिंग बेटर देन पेन एंड इंक. यदि आप कहीं पर साइन करना चाहते हैं, सिग्नेचर करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पेन और इंक की आवश्यकता होगी. इफ़ यू वॉन्टेड टू रीड, यू वुड बी श्योर टू लुक एट न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक. यदि आप कुछ भी पढ़ना चाहेंगे, पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे और कोई भी बुक पढ़ेंगे. एंड इफ़ इट हैपेंड दैट यू वर इल, यू वुड डाउन सम ऑयल और चॉक ऑन अ पिल. यदि ऐसा होता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप बीमार होते हैं, आप किसी भी बात से डाउन फील करते हैं, तो आप क्या करेंगे, या तेल लगाएंगे, मालिश करेंगे, या फिर कोई भी टैबलेट खाएंगे. इफ़ यू हैड अ कोल्ड, आई कैन ओनली सपोज यू वुड यूज़ अ हैंडकरचीफ फॉर योर नोज. ऐसा मुझे लगता है कि मान लीजिए अगर आपको सर्दी या जुकाम होता है, तो आपको अपनी नोज साफ़ करने के लिए, नाक साफ़ करने के लिए सभी को एक रूमाल की आवश्यकता होती है. समझ में आ रहा है ना सभी स्टूडेंट्स को, चाहे कोई मिलेनियर हो या प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, कोई राजा हो, सबको क्या चाहिए होता है, हैंकी चाहिए होता है. व्हेन यू वांटेड टू रेस्ट योर वियरी हेड लाइक अदर फॉक्स, यू वुड होप इनटू बेड. यदि आपको थकान होती है, आपको सर दर्द हो रहा होता है, तो आप क्या करेंगे, सारे कामों को छोड़कर आपको आराम करना होता है, आप अपने बिस्तर पर लेटना चाहते हैं. मिलेनियर्स, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स कांट गेट अलोंग विदाउट एवरीडे थिंग्स. देन वी कैन से कि कोई भी चाहे अरबपति हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी राजा हो, डेली वाली चीज़ों के बिना वो नहीं रह सकते. यानी कि जो भी चीज़ हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हमें उनकी आवश्यकता होती है, सो वी कैन से मिलेनियर्स, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स कांट गेट अलॉन्ग विदाउट एवरीडे थिंग्स. ओके, आई होप आपको पोइम समझ में आ गई होगी. आपको पोइम की 8 लाइन्स यहाँ से यहाँ तक आपकी नोटबुक में करनी है. एंड हियर आर द वर्ड मीनिंग्स, यू हैव टू राइट डाउन दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक. ओके, अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है, देन यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू.